चैनल गाइस, अजय यार, आज का ब्लॉग होने वाला है होल्सन प्रेशर वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो ये कंपनी ने मेरे को ये प्रेशर वॉशर भेजा है अपने चैनल पे रिव्यू करने के लिए। 1600 वॉट्स का इसका मोटर है, अप टू 3000 PSI का इसका प्रेशर है, और फिर जो इसका पावर कॉर्ड है वो 33 फुट लॉन्ग का पावर कॉर्ड, और जो इसका प्रेशर वॉश का होज है वो 20 फुट लॉन्ग है। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं मशीन में कितना दम है। इस रेडी है क्या तू? इसका मैनुअल साबुन के लिए। तो ये वाली मशीन की अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि इसमें रील है, ब्रश मेरे को काम में आएगा विंडो वगैरह साफ करने के लिए। और ये इसके साथ सब होजेज इंक्लूडेड है, नोजल्स, अलग अलग प्रेशर आता है अलग अलग नोजल से। ओके, अगर आप इधर घर लोगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर वॉश लेने के लिए फॉर अ होम ओनर। इट इज़ वन ऑफ द मस्ट हैव थिंग्स, क्योंकि इतना काम में आता है ना, इसका कोई हिसाब नहीं। इसे स्लाइड हो गया और पीछे से सीधा इसका स्क्रू बैठेगा। अभी ये वाला इसका जो कनेक्टर है वो इधर जाएगा, 4 स्क्रू लगेंगे इसके बाद। इसको भी इधर लेके चलते, मैं जो वाटर होज है वो कनेक्ट करते हैं इसके ऊपर। तो ये वाला लगेगा सीधा इधर इसके यहाँ। बहुत अच्छी मशीन है पहले वाले के कंपेयर में, ईज़ ऑफ यूज़ वाइज। और ये वाला इधर इसके अंदर जाएगा और फिर यहाँ से इसे पानी इसके अंदर आएगा और अपने स्प्रेयर में। तो ये देखो, ये ऑल द वे अंदर पुश किया, ये अभी ऐसे घूम के आएगा, हो गया ना मस्त। तो अभी निकाल रहा हूँ इसका ये होज इधर से, ठीक है, अपना होज आ गया बाहर। ये सीधा कनेक्ट होएगा इधर नीचे, लॉक हो गया। ये वाला जो है ये सीधा इसके अंदर ऐसे बैठेगा, हो गया लॉक मस्त। तो डिपेंड है आप करने क्या वाले हो, तो वो हिसाब से अलग अलग सब नोजल्स प्रोवाइड होती है। आपको एकदम शार्प चाहिए जिससे अगर कोई एकदम ख़तरनाक स्पॉट हो ऐसे ऑयल का स्पॉट, तो आप शार्प वाली नोज़ल यूज़ करोगे। दूसरा, अपने केस में आज मेरे को बेस्ट चीज़ ये लगी कि इसमें ये लोग ने ये ब्रश प्रोवाइड किया है, तो मेरे को मेरी विंडोज़ बहुत टाइम से साफ़ करने की थी, मेरा काम हो गया एक्चुअली। अभी इसका एक नोज़ल लगा रहा हूँ, तो नोज़ल लगाने का एकदम सिंपल प्रोसेस है गाइस। ये यूजली जो आगे का पार्ट है ये इसे पुल करेंगे आप नीचे, ये अंदर जाएगा और आप छोड़ देंगे और वो इसे लॉक हो जाएगा। तो ये जो इसका इलेक्ट्रिक का आउटलेट है, तो ये GFCI है, तो अगर डिटेक्ट होएगा कि पानी में चले गया है या शॉक होने का चांस है तो ये खुद ही ट्रिप हो जाएगा। तो अभी सब सामान हटाता हूँ, मेन मेरे को क्लीन करने का कौन सा ये वाला एरिया है इधर। गाइज, अपना मैदान हो गया रेडी, ठीक है। मेरे को लास्ट ये सोप डिस्पेंसर में थोड़ा डिटर्जेंट डालो, तो ये निकाला इसमें से। ये देखो, ये लोग ने ये पाइप भी दिया है, हो गया मस्त। ये निकला बाहर, ये अंदर ऐसे नज़दीक से दिखा था आप लोगों, ये ऐसे अंदर गया, लॉक हो गया, ठीक है। अभी इसको चालू कर दे, अभी दिखा दूँ आप लोग। देखा मस्त। ये एक्चुअली ये लोग ने मेरे को एक मशीन भेजी थी पहले, पर लेकिन ये लोग की गुम हो गई थी, तो वो चक्कर में मैंने ये साफ़ ही नहीं किया था। तो गाइज, ये वाला व्लॉग अपने डेली व्लॉग के टाइमलाइन में नहीं होने वाला, ये मैं एकदम जल्दी रिलीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी रुके हुए मेरे वीडियो के लिए, ठीक है। तो अभी इधर करते हैं थोड़ा।
मस्त स्मेल हो जाएगी एकदम फर्स्ट क्लास। तो एक्चुअली मेरे को ये ब्रश वाला ट्राई करने का, मैं आज तक कभी ब्रश वाला यूज नहीं किया। तो ये ऐसे एक्चुअली स्लो पेस पे पानी आ रहा है, हाई प्रेशर नहीं। तो जैसे आपको दिख रहा है ये देखो, इसमें से ऑलरेडी ये लोग के देखो बाल वगैरह निकलना चालू हो गए। सब क्वेश्चंस कर डाले बॉस, मतलब रिव्यू कर रहा हूँ तो माइट एज वेल अपना भी काम करते। अब ये सब मेरे डॉग्स ने सब बर्बाद कर डाला है। ऐसे ये जब ये छोटा था, ये सब विंडो पे ऐसे कर करके सब बर्बाद हो गया मेरे सब विंडोज का। तो अभी ये वाला ब्रश वाला निकालते और वो वाला नोजल डालते, ठीक है, और फिर अपने वहाँ प्रेशर वॉश करते हैं। मेन तो अपने को उधर मालूम पड़ेगा बॉस। तो अभी चलो इसको टेस्टिंग कर दे, क्या बोलता है इस। ये देखो कितना काला है बॉस, खाली हालत देखो इसकी, बैड मैन। देखा कितना फर्क ऑलरेडी, बाप रे। ये लोग क्या सब, ये लोग सब कीचड़ में जाते हैं ना, और इधर आके बैठते हैं तो और हो जाता है। तो पानी हम लोग क्या रिसाइकल पानी आता है गाइस, तो ऐसे नहीं सोचना पानी वेस्ट करो, ठीक है। इधर रिसाइकलिंग प्लांट है पानी का, तो इधर बारिश भी हम लोग क्या जब भी पड़ती है बस पानी की कमी नहीं होती है। बस ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि थक गया, पर लेकिन अपना काम हो गया बस। तो अभी जैसे आपको देख रहा है ऑलमोस्ट रात हो गई है, इधर पूरा घर करने जाऊँगा तो कम से कम 2-3 दिन आराम से लग जाएगा। पर जैसे आपको देख रहा है ये स्लैब हो गया, ये स्लैब हो गया, थोड़ा उधर किया, बहुत फ़र्क आया। जैसे आपको आपने पहले देखा बहुत काला था, अभी अच्छी स्मेल आ रही है क्योंकि डिटर्जेंट डाला। इधर मैंने अपना ब्रश यूज़ किया, इतने टाइम से मेरे को मेरी खिड़कियाँ साफ़ करने की थी, तो ब्रश के अटैचमेंट के वजह से मेरा काम ईजी हो गया। अभी मैं कल सुबह मेरे को एक्चुअली मालूम पड़ेगा कि खिड़कियाँ कितनी क्लीन लग रही, पर ये मशीन को जो करना चाहिए था मशीन ने किया बॉस। ओवरऑल मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ मशीन से। इसके साथ में जो जो अटैचमेंट्स आए सब आपने जैसे देखा मैं सब यूज़ किया। आप में से अगर किसको भी ये मशीन में इंटरेस्ट होएगा तो मैं इसकी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग को अगर चाहिए आप लोग बाय कर सकते हो। तो
आई होप ये ब्लॉग में आपको मजा आया होगा गाइस। मैं एक्चुअली क्वाइट फ्रेंकली मेरे लिए ऐसी रिव्यूज़ की चीज़ें आते रहे तो मेरे को तो मज़ा आएगा, क्योंकि मेरा घर भी साफ़ हो गया और मेरे को ये सब चीज़ें करने में मज़ा भी आता है। तो एनीवेज गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.